बिजली कटौती और हजारों रुपए के बिजली बिल आने से गुस्साए लोगों एवं भाजपा युवा मोर्चा ने गाडरवारा स्थित बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। गाडरवारा शहर में बिजली कटौती और भारी भरकम बिजली बिल से परेशान होकर लोग अब विरोध स्वरूप सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। लगातार अघोषित बिजली कटौती से जहां प्रदेश भर में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं अब हजारों रुपए के बिजली बिल आने से गुस्साए लोगों एवं भाजपा युवा मोर्चा ने गाडरवारा स्थित बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विद्युत विभाग के दफ्तर में मोदी चाय का वितरण कर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे लोगों ने बिजली बिल कम करने के साथ ही पूर्व के शिवराज सरकार द्वारा लाई गई योजना मुख्यमंत्री सरल बिजली बिल योजना को फिर से लागू करने की मांग की। देखिए, शहर में लगातार शिकायत आ रही थी, कुछ गरीबों के घर में अनावश्यक बहुत ही अत्यधिक बिल आ रहे थे। इनका बिल अभी कुछ महीनों तक 400, 500, 600 तक आता था, उनके 2000, 3000 और 6000 तक के बिल आ रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों ने आज यहाँ हम लोगों को एहसास हुआ कि विद्युत मंडल एक गहरी नींद में सो रहा है, जिसके विरोध में आज हमने यहाँ पे ढोल बाजे बजा के और इन लोगों को मोदी चाय पिला के जगाने का प्रयास किया है कि विद्युत विभाग जो अपनी कुंभकर्णी नींद में सो रहा है वो जागे और लोगों की समस्या को देखे और उनके बिलों में जल्द से जल्द सुधार करे। एक्चुअली जो लोगों का जो मेन कहना था कि इस बार जो बिल आए हैं वो बढ़ कर आए हुए हैं, ऐसा क्यों आया हुआ, वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, तो उनको जानकारी दी गई है कि जो पहले शिवराज सरकार के टाइम पर जो योजना चली थी सरल बिल योजना, जिसमें ये था कि उपभोक्ता को 200 रुपये मासिक का बिल मिलेगा और बाकी जो बिल है वो गवर्नमेंट या सब्सिडी के रूप में विभाग को प्रदान करेगी, तो उस योजना को अभी वर्तमान सरकार ने बदल दिया है। और चूंकि संबल योजना के अंतर्गत वो थे, यानी कि संबल के जो गरीब लोग हैं उनकी पात्रता के हिसाब से उस यूनिट खपत को 100 यूनिट तक उन्होंने रजिस्ट्रेट किया है, 100 यूनिट की सब्सिडी गवर्नमेंट अब दे रही है उस योजना के अंतर्गत और बाकी का बिल उपभोक्ता को पे करना है या उपभोक्ता से वसूला जाना है। तो इसी कारण लोगों को लग रहा है कि बिल हमारे बढ़ के आ रहे हैं, जबकि एक्चुअल वो वास्तविक खपत के आधार पर आए हैं और जो शासन द्वारा निर्धारित सब्सिडी है वो उनको दी जा रही है। कुल मिलाकर सरकार बनने से पहले जहां कांग्रेस ने लोगों से वादा किया था कि कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। उल्टा कमलनाथ सरकार के आने के बाद लोगों को बिजली तो नसीब नहीं हो रही है, लेकिन हजारों रुपए के बिजली बिल जरूर थमाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, गाडरवारा।